बगहा में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल। बवाल के बाद रातों रात डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल हो गया गायब। सूरज हॉस्पिटल व बालाजी ट्रामा सेंटर नामक निजी अस्पताल अचानक हो गया गायब। परिजनों का इल्जाम, जबरन ऑपरेशन कर पेट खोल दिया गया। महीने भर में कई प्रसव पीड़िता मरीजों को यहां जान गंवानी पड़ी है। अनुमंडल अस्पताल के डीएम डॉक्टर KBN सिंह ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। खबर बगहा से आ रही है, जहां प्रसूता की मौत के बाद बवाल मचा है। अब तक तो आपने अवैध निजी अस्पताल छोड़कर भागने की खबरें देखी व सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अवैध अस्पताल की खबर दिखा रहे हैं जो घटना के बाद रातों रात गायब हो गया है। दरअसल नेपाल और यूपी सीमा पर स्थित बेतिया गोरखपुर मुख्य सड़क NH-727 के किनारे बगहा शहर के बीचों बीच नगर थाना व अनुमंडल अस्पताल के करीब संचालित सूरज हॉस्पिटल व बालाजी ट्रामा सेंटर नामक निजी अस्पताल इस घटना के बाद अचानक गायब हो गया है। रातों रात अवैध क्लिनिक लेकर संचालक प्रवीण तिवारी और मनोज यादव भाग खड़े हुए हैं। आरोप है कि SDH बगहा की आशा कर्मी के झांसे में आकर इस निजी क्लिनिक में मरीज लेकर परिजन पहुंचे थे, जहां दर्द से करा रही प्रसव पीड़िता का जबरन ऑपरेशन कर पेट खोल दिया गया और महिला की बिगड़ती स्थिति देखकर परिजनों को बरगलाकर मोटी रकम भी वसूल की गई, लेकिन फिर भी प्रसूता की हालत गंभीर थी, लिहाजा परिजनों ने उसे रेफर करवाया, जिसके बाद बेतिया और मोतिहारी के अस्पतालों में चक्कर काटना पड़ा। फिर भी प्रसूता की जान नहीं बचाई जा सकी, क्योंकि गलत तरीके से उसका शल्य क्रिया किया गया था, वह भी बगैर समुचित मेडिकल जांच रिपोर्ट के। तभी तो उसकी जान पर बनाई और आखिरकार उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। लिहाजा वह तरीके से संचालित सूरज हॉस्पिटल एंड बालाजी ट्रामा सेंटर के संचालक पर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, गोल बंद हुए हैं। आपको बता दें कि महज महीने भर में कई प्रसव पीड़िता मरीजों को यहां जान गंवानी पड़ी है, तब जाकर लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा है। तभी तो मृत मरीज के परिजनों के साथ साथ खुद मकान मालिक भी विरोध में उतर आई हैं। इधर नीम हकीम द्वारा जान माल की क्षति पर आक्रोश भड़का है और लोग प्रवीण तिवारी व मनोज यादव पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो अवैध तरीके से इस नर्सिंग होम को चला रहे थे। अब बगहा अनुमंडल अस्पताल के DM डॉक्टर KBN सिंह ने लिखित शिकायत के बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है, क्योंकि अभी अस्पताल को लेकर चिकित्सक व कर्मी फरार है, जिन तक पहुंचना भी प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यही मामला है, जब हम लोग बोलते थे फाइल करने के लिए, फाइल नहीं करता था। एग्रीमेंट बनाया है परवीन कुमार तिवारी, उसी का एग्रीमेंट है हम लोग के पास। अब आगा तो हम लोग फोन भी नहीं किया, ना जानकारी दिया है, रातों रात कब गया हम लोग कुछ मालूम नहीं है। सुबह में उठे तो वही गुप्ता जी बोल रहे थे कि यहाँ कोई मामला हुआ है, हमको पता नहीं है। हमको अगल बगल के लोग बताया, आप ही के मकान में हॉस्पिटल चलता था? हाँ, मेरा ही मकान। कौन क्यों हॉस्पिटल था? यही सूरज हॉस्पिटल। यहाँ से भाग गया लो रातों रात? हाँ, रातों रात भाग गया लो। हम अपना थैला मारे हुए हैं, हाँ सब साफ करवाए, बोले कि आइए, आपको नहीं रखेंगे, ऐसा ऐसा बात हो गया है, चलिए। बोला था कि नहीं, मरीज पानी पी लिया, इसीलिए उसका एलर्जी हो गया है कि क्या हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुमताज खान। ये मेरा पतों का डिलीवरी था, डिलीवरी के बाद हम घर नहीं थे, हमारे पतों ये सूरज हॉस्पिटल में लेकर आई। आने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि इना देह फूल गया है, क्या बोला खून नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम बोले कि नहीं, ले चलिए हॉस्पिटल में, हम यहाँ नहीं कराएंगे। जो हॉस्पिटल में लेकर गए हम, तो SP अग्रवाल साहब क्या बोला, बोले कि रेफर कर दिए बेतिया। यहाँ हमारे पतो, हमारे औरत लड़कियाँ पतो थी, यहाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं उन लोग से कि बेतिया ले जाएगी तो मर जाएगी, हम भर्ती नहीं करेंगे। हम से हॉस्पिटल में होपलेस हो गए। होने के बाद बहकाव में आके फिर हमारे पतो लेकर यहाँ पर, हम लेकर आए यहाँ पर। आशा लोग लेकर आए, भोला भसका कर, इनका स्टाफ लोग हम लोग नहीं चिन्ह रहे,
एगो तिवारी जी डॉक्टर से एगो जादू जी डॉक्टर से आए, आने के बाद तुरंत पेट ना चेकिंग किए ना कुछ, तुरंत पेट खोल दिए, खोलने के बाद ऑपरेशन हो सब कल से लगा सीरियस मरीज होने के लिए। जब हम लोग कल आए कहने की सुनने के लिए तो बोले कि नहीं अब सब रिपोर्ट सही है भाई, ये हो अल्लाह का उल्टा सीधा बात कम की नहीं, हमारा मरीज सीरियस हो जा रहा है, इन्फेक्शन हो गया, हम कहते उसको सही कीजिए, मुँह से लागी ब्लेडिंग देने के लिए। तो हम बोले कि नहीं रेफर रेफर पर नहीं कर रहे थे, बोले ना नहीं जबरदस्ती हम लोग रेफर करा के मलया से बेतिया ले गए, बेतिया अमरनाथ थे एम्स के डॉक्टर, वो रेफर कर दिए रबानिया मोतिहारी में, मोतिहारी में गए तो वहाँ मालूम हुआ कि गलत ढंग से लोग ऑपरेशन कर दिए हैं, जो लीकेज हो गया था उसका बच्चेदानी साहब ने जो पॉइजन कर गया, जाने नतीजा में कि 24 घंटे के अंदर हमारे पत्र मर गई। किस जगह आप ऑपरेशन कराए थे अभी? ये अभी सूरज हॉस्पिटल में लाए थे, जादू जी थे और एक तिवारी थे, दोनों आदमी अभी अस्पताल है। हाँ यही पर हम खड़े हैं, अस्पताल है ना, नहीं अल्लाह रात भाग गए हैं लोग रात को, जब उनको मालूम पड़ा। क्या नाम हो आपका? मेरा मोहम्मद बादशाह मिस्त्री नाम है। जो पीछे मेरा बैक साइड में दिख रहा है ये कुछ दिन पहले, यानी एक दिन पहले ही हॉस्पिटल, दो दिन पहले हॉस्पिटल था, यहाँ पे अपना पेशेंट लेकर आए थे, ये डॉक्टर के पास लेके अपने पेशेंट दिखाया, बोले तो हाँ ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग बोले कि यहाँ से रेफर करके बेतियाँ ले जाते हैं, फिर डॉक्टर ने हम लोग को दिमाग में मतलब लेडीज़ थे बोला कि यहाँ से ले जाओगे रास्ते मर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोलकर हम लोग को हिम्मत दिलाया कि मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा सही हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर इसको एडमिट कर दिया, एडमिट करने के बाद उसका पेट चीर का बच्चा निकाल लिया गया, फिर दो दिन उसका ब्लॉडिंग चालू हो गया, मुँह से उसका ब्लॉडिंग हो रहा था, खून आ रहा था, उसका पेट सूज रहा था, फिर डॉक्टर से हम लोग बोले कि डॉक्टर ठीक है रेफर कीजिएगा आपके रिकवरी में हो जाएगा, तो डॉक्टर बोले नहीं हम जो करेंगे हम सब कर लेंगे आप टेंशन मत लीजिए। फिर अपने पेशेंट कहीं यहाँ भर्ती किए थे, फिर वहाँ से कल परसों जुमा का दिन हम लोग आए नमाज़ पढ़कर, बोले मेरे पेशेंट का बहुत हालत ख़राब है, हम लोग बोले रेफ़र करो रेफ़र करो, ज़बरदस्ती हम लोग रेफ़र कराकर बेतियाँ गए, बेतियाँ में अमरनाथ गुप्ता हॉस्पिटल में हम लोग गए, वो बोले कि पेशेंट का सीरियस बहुत ज़्यादा है, कम चांस है बचने का, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। फिर वहाँ से हम लोग हिम्मत ना मारा, मोतिहारी लेकर रहमानिया हॉस्पिटल में, ये रहमानिया हॉस्पिटल है मोतिहारी सबसे बड़ा हॉस्पिटल, हम लोग लेकर गए, वहाँ ले जाने के बाद वहाँ के इमरजेंसी वार्ड में लेकर, वहाँ के भी डॉक्टर बोला इसकी सिचुएशन बचने का नहीं है, जो ऑपरेशन डॉक्टर किया है सक्सेस नहीं किया, 24 घंटे हम लोग रहमानिया हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट है, 24 घंटे बाद हमारे पेशेंट एक्सपायर कर गई, एक्सपायर करने के बाद इनको डॉक्टर को मालूम पड़ा कि हाँ वो पेशेंट मर गई है, ये रातों रात अपना बोरा बिस्तर बहान कर बिल्डिंग खाली कर कर भाग गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद उल्फत है। आप लोगों के माध्यम से हमको जानकारी मिली है जो ऐसी घटना घटी है, तो अभी तक हम उसका डिटेल हमको पता नहीं चला है मरीज का, जिसका कि हम कुछ पता कर पाए, डिटेल हमको जैसे ही पता चलेगा तो उसका हम सारा डिटेल यहाँ से देखेंगे जो क्या कैसे मामला था और कौन उसको ले गया है नहीं ले गया है, अगर ले जाने वाले का पता चल जाता है तो संबंधित पर जो है सो हम कार्रवाई के लिए जरूर करेंगे। शहर में और भी जो चल रहा है उस पर कार्रवाई हो सकती है, क्या जाँच किया जा सकता है? शहर में क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ की मुहिम छिड़ी हुई है और सिविल सर्जन सर का भी कहना है जो कोई भी अवैध तरीके से काम नहीं हो जिससे कि जानमाल की क्षति नहीं हो किसी की भी, और इस मामले में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को CSR के माध्यम से कहा गया है, लेकिन अगर वहाँ पर भी दिक्कत आता है या CSR को जाके भी जरूरत होता है तो उसमें भी आदेश प्राप्त होता है और उस हिसाब से हम भी कार्रवाई करते हैं। रातों रात सर उस हॉस्पिटल को हटा दिया गया है सर? ये हम देखे नहीं हैं, आप लोगों के माध्यम से हमको पता चला है जो वहाँ से हटा दिया गया है, तो वह क्या और मामला है, आवेदन हमको क्या मिलता है उस हिसाब से हम भी जानकारी लेंगे और जैसे जो भी होगा कार्रवाई अपने स्तर से, जो भी हमारे स्तर से होने वाला होगा वो हम निश्चित तौर पर करेंगे।